नवाज शरीफ के पास इमरान खान से हाथ मिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, सुहेल वड़ाइज ने दो टोक बता दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइज का कहना था कि नवाज शरीफ के लिए इस वक्त दो बड़े चैलेंज हैं, एक इकोनॉमी का चैलेंज है और दूसरा सियासी चैलेंज है। नवाज शरीफ एक ऐसे पाकिस्तान में वापस आए हैं जिसमें नफरतें और खलीज इस कदर बढ़ी हुई हैं कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सीनियर सहाफी ने कहा कि नवाज शरीफ या तो खुद एक फरीक बनकर उसी तरह मार धाड़ शुरू कर दें जैसे पीटीआई करती थी, जिससे मुआशरे में तकसीम मजीद गहरी हो जाएगी। आप ताकत से तो हुकूमत को चला लेंगे क्योंकि आपके साथ स्टेब्लिशमेंट होगी, लेकिन मुआशरे के अंदर गहरे जख्म लगेंगे। और दूसरा रास्ता ये है कि वो सियासी मुसालहत और पीटीआई को कोई रास्ता देंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को रास्ता देना ही मुल्क को चलाने के लिए बेहतर होगा। सुहेल वड़ाइज ने मजीद कहा कि सियासी मुफाहमत के अलावा पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, वैसे ही इमरान खान के साथ भी उसी तरह का चार्टर होना चाहिए। डोंट वरी, फूड पांडा संभाल लेगा।